हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें क्या करना है हमें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। एक तो पहले बोला है उसने कि एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है, उसके बाद में हमें ये वाली चीज़ वेरीफाई करनी है। ये हमने एक एग्जाम्पल में पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, उसमें भी वेरीफाई किया था। तो ठीक है, मतलब उसमें यही था ना, एलसीएम अगर एक्स और वाई का है और एचसीएफ है एक्स और वाई का, तो वो एक्स वाई के बराबर होगा, ये किया था। चलो तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 26 एंड 91। सबसे पहले इसके फैक्टर्स करेंगे 26 के, 2, 1, 3, 13, 1। ओके, 26 के फैक्टर्स हुए 2 × 13। देन 91 के फैक्टर्स, 3 से नहीं जाएगा ये, 7, यस 7 × 7 = 3 × 13, 1। ओके, 91 के फैक्टर्स हो गए 7 × 13। एचसीएफ क्या होगा इसका, 26 एंड 91 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन क्या है 13, और इसकी पावर स्मॉलेस्ट ही तो 1 है, तो 1 ही आएगी। एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम 26 × 91। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सारे फैक्टर्स को एक बार लिखते हैं। हम कैसे लिखेंगे, 2 × 7 × 13, सिर्फ एक एक बार लिखते हैं, फिर उनकी जो हाई जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उनको लिखते हैं। अब इसमें जैसे यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो इनको दो बार नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। और सबकी पावर क्या है, 1 है, तो सबकी पावर 1 ही रहेगी यहाँ पर भी, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू हो गई, 13, 7, 17 and 21, 91 × 2 = 182 वैल्यू आ गई। एचसीएफ इंटू एलसीएम की क्या वैल्यू होगी, 13 × 182, सिक्स 24 × 3 = 6, यानी 5 2 8 1 6 6 3 1 2 3 6 6 आ गई इस इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू। अब हमारा जो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये 26 एंड 91 का प्रोडक्ट निकालते हैं, 91 एंड 26, 9 = 54, देन 2 8 6 6 3 2 3 6 6। ओके, हमारी ये वाली वैल्यू भी, ये वाला ये जो इक्वेशन थी ये वेरीफाई हो गई, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल। देयरफॉर एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 510 एंड 92। ओके, 510 एंड 92। ओके, तो इसमें सबसे पहले 510 के फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले 2 2 2 = 4 2 3 5 and then 5 255। अब ये 3 से जाएगा, यस 3 से जाएगा, 3 8 and 5, देन 5 = 5 5 7 = 35 17 1 = 17। ओके, 510 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 × 3 × 5 × 17। ओके, नाउ 92,
टू से करेंगे सबसे पहले, टू 4 46, टू 23, देन 23 बचा 23। ओके 92 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 × 2 × 23। ओके HCF क्या होगा यहाँ पे, HCF ऑफ 92 एंड 510, 92 एंड 510 का HCF, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो इसका HCF होगा 2। LCM ऑफ 92 एंड 510, सारे फैक्टर्स को एक बार लिखेंगे, 2 × 3 × 5 × 17 × 23। ओ एक मिनट, हमें इसको यहाँ पे पावर में लिखना पड़ेगा। ओके यहाँ पे तो कुछ पावर वाला है ही नहीं, सबको यूनिक है, यहाँ पर आ गई पावर। ओके हर किसी फैक्टर को एक एक बार लिख लिया, 2 × 3 × 5 × 17 × 23। अब इसमें क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर सिर्फ 2 की है, तो यहाँ पर क्या आएगी, 2 की ग्रेटेस्ट पावर आ गई, ये हमारा एलसीएम होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 × 3 × 5 12 5 60 × 17 × 23। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद में आएगा कितना, ये आएगा 23460 आएगी इसकी वैल्यू, और ये एलसीएम की वैल्यू आ गई और ये एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम जस्ट 2 × 23460 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2964। ओके ये आ गया। अब हमें किसका प्रोडक्ट करना है, 510 × 92। ओके इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 500 को यहाँ पे करी लेते हैं, 92 02 10 09 45 02 964। ओके 46920, ये दोनों बराबर हैं, तो हमारा एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या हो गया, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो गया, ये भी क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट 336 एंड 54। ओके तो ये इसका लास्ट पार्ट है, 336 एंड 54। इसमें अगेन 54 के फैक्टर्स करते हैं, पहले 54 2 × 4 = 7, देन 2 9, 3 3 जा एंड देन 3 1 जा 3। 54 के 2 × 3 × 3 × 3, तो यहाँ पर 2 × 3 की पावर 3। नेक्स्ट 336 के फैक्टर्स करते हैं तो क्या होगा, 2 15 8 2 7 9 79। अब यहाँ एक मिनट, अच्छा यहाँ पे 6 आएगा ना, 6 68 80 8 and then 4। यहाँ पर 42 then 2 21 3 7 जा 21 and then 7 जा 7। इसके फैक्टर्स क्या हुए, 2 4 टाइम्स है एंड देन
थ्री इंटू सेवन, ये इसके फैक्टर्स हैं। ओके तो अब सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। 54 एंड 336 का एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या है, टू है। ओके एंड थ्री भी कॉमन है। ओके एचसीएफ निकालते हैं तो हम स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं, तो स्मॉलेस्ट पावर टू की क्या है, वन। ओके तो वन ही रहेगी यहाँ पे, ये वन रहेगी। थ्री की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, वन, तो यहाँ पर भी वन ही रहेगी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम सारी वैल्यूज को, सारी फैक्टर्स को एक बार लिखेंगे। टू इंटू थ्री इंटू सेवन, ये लिख लिया। अब इनकी ग्रेटेस्ट पावर, टू की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, फोर, तो यहाँ पर फोर आ गया। थ्री की ग्रेटेस्ट पावर थ्री है, थ्री आ गया, और सेवन की वन है, तो वन ही आ गया। तो ये वैल्यू क्या आ गई, सिक्सटीन इंटू 27 इंटू सेवन। ओके इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे वैल्यू क्या आएगी, इसकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 3024। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कि साइड में करके देख लेना, ये आ जाएगी 3024। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है इसका, एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या होगा, 6 इंटू 3024, इसका 6 टाइम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 18144। एंड देन प्रोडक्ट 54 इंटू 336 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारी क्या वैल्यू आएगी, 18144। तो ये दोनों बराबर है, तो एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू 54 इंटू 336, हैंस प्रूव्ड। ये थे इस क्वेश्चन नंबर टू के तीनों पार्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।